फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ आपके सामने और काफ़ी मोटी भी हो गई हूँ, और मुझे इसलिए मैं ड्रेपिंग की वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं ड्रेपिंग को लेके। बट फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही ड्रेपिंग्स की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, ड्रेपिंग की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। लास्ट जुलाई या स्टार्टिंग अगस्त में आपके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियोस ले आऊँगी, और भी नए नए एकदम यूनिक और डिज़ाइनर साड़ियों के भी लाऊंगी और ड्रेपिंग्स के स्पेशली लेकर आऊँगी, क्योंकि आपकी रिक्वायर ज़्यादा है इस ड्रेपिंग की। बट आई एम सॉरी कि मैं नहीं लेकर आ पा रही दो तीन महीनों से, बट आई रियली रियली सो सॉरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एकदम डिजाइनर साड़ी लेकर आई हूँ, और दो ओल्ड साड़ी है जिसको मैं कन्वर्ट करके आज एकदम यूनिक और नया साड़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सी साड़ी है। ये फुल साड़ी है, थोड़ी सी पुरानी है, इसका लेस वगैरह भी थोड़ा पुराना लग रहा है, बट चलेगा। आप देख पा रहे हैं ये लेस कितना डल हो चुका है। आज मैं इसी साड़ी को कट करके एक दूसरे कपड़े से ज्वाइन करके एक अलग साड़ी बनाने वाली हूँ। तो आप देख पा रहे हैं, ये फुल साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, ये देख पा रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये फुल साड़ी है, और मैं आज इसी साड़ी को कट करने वाली हूँ। यहाँ से 3 मीटर से कट करके मैं इसे पाटली पे नीचे रखने वाली हूँ, और जो मैं कपड़ा लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसके साथ कौन सा कपड़ा यूज करने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं और इसका कॉम्बिनेशन कैसा है। सबसे पहले तो मैं इस लेस को निकालने वाली हूँ, निकाल कर साइड रखने वाली हूँ, क्योंकि इसी लेस को मैं जो दूसरा कपड़ा है पल्लू पे रखने वाली हूँ, वहाँ पे ज्वाइन करने वाली हूँ। और इसका कॉम्बिनेशन है ऑरेंज कलर, जैसा बॉर्डर देख पा रहे हैं ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज बुट्टे भी लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऑरेंज कलर का पल्लू रखूँ तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे, तो मैंने ऑरेंज कलर का पल्लू लेकर आई हूँ। और आप देख पा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से कट करने वाली हूँ, कट करके मेरा कपड़ा इसके साथ अटैच करने वाली हूँ। देख पा रहे हैं, ये गोल्डन टोटल वर्क है जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती अलग है, बिल्कुल ये निकलेगा नहीं, जरी वर्क किया गया है। तो आज मैं इसी कपड़े को अपने इस साड़ी के साथ ज्वाइन करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इस साड़ी को कट करने वाली हूँ, कट करके फिर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करके उसके बाद फिर जो ये लैस है, आप जो लैस ये देख पा रहे हैं, ये लैस निकालना है मुझे, निकाल के फिर अपने इस ऑरेंज को बॉर्डर में फिट करना है। फिलहाल मैं आपको ज्वाइनिंग का ट्यूटोरियल नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मतलब कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो आई थिंक कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है देखने में, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जिससे कि आपको भी ईजी पड़े और मुझे भी ईजी पड़े, क्योंकि मशीन नीचे और मैं हूँ ऊपर, तो जाके बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिलहाल तो मैं गाँव में हूँ जैसा कि आपको पता ही है। तो फिलहाल मैं इसको कट कर लेती हूँ सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आप इसको पहले यहाँ से अच्छे से माप लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि हमें कैसे मापना है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको ऐसे ऐसे माप लीजिए, आप देख रहे हैं आप ऐसे 2 माप लो पहले आप 1 और ये 3। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 3 मीटर। तो मैं यहाँ से कट करने वाली हूँ, और मैं यहाँ से कट करके फिर वहाँ से उस कपड़े से ज्वाइन करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। तो पहले सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे सीधा सीधा कपड़ा करके। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं ज्वाइनिंग कर चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ज्वाइन किया हुआ है। फिलहाल तो मैंने काफ़ी सारी साड़ी बना के आपको दिखाया हुआ है, बट आप देख लीजिए इसकी ज्वाइनिंग है यहाँ से, आप देख पा रहे हैं बहुत फिनिशिंग नहीं आई है, क्योंकि इतनी गर्मी में कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये फिनिशिंग नहीं आई है, बट ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना ही चाहिए हमको। आप देख पा रहे हैं इसकी ज्वाइनिंग कैसे की गई हुई है, ये देख पा रहे हैं इसकी ज्वाइनिंग मैंने पूरा कर दिया है, और जिसका लैस था यहाँ पे मैंने निकाल के ऑरेंज वाले पर लगा दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये लैस, बट वांदा नहीं, चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं, मैं कंप्लीट साड़ी आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है ये, आप देख रहे हैं आप। और हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं इस साड़ी के ऊपर मेरा बहुत सारा काम बाकी है, मैं आपको बताऊं कि मैं इसके अंदर क्या करने वाली हूँ। जो ये ब्लू कलर है और ये गोल्डन कलर है, मैं इस कलर का
स्टोन जो है अपनी जो पत्ती दिख रही है आपको गोल्डन करेंगे सभी पत्तियों पर लगाने वाली हूँ। और फिलहाल तो मैं अभी जल्दीबाजी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फिलहाल मुझे वीडियो अपलोड करना है, इसकी वजह से मैं नहीं लगा पा रही हूँ और मेरे पास सामान भी अवेलेबल नहीं है गाँव में। तो इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं लगाऊंगी तो फिर आपको आपके साथ जरूर शेयर।